हेलो एवरीवन, गरमा गरम चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू, और लड्डू देख के आपको तो पता लग ही रहा होगा कितनी दानेदार और कितनी बढ़िया लड्डू बनके तैयार हो चुकी है। और ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी मेजरिंग कप से आधा कप भर के घी। आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ग्लास या कटोरी के माप कर ले और उसी से आप इस तरीके से पूरा भर कर ले ले। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी बेसन। मैंने यहाँ पे 1.5 कप भर के बेसन लिया है। अब इसको हम एकदम ही लो फ्लेम पे ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी आपको ये हल्का सा सूखा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसके अंदर से घी रिलीज होता जाएगा और ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनकर तैयार करें, इसमें आप जल्दी बिल्कुल भी ना करें। बेसन के साथ लगभग 15 से 20 मिनट तक आप इसको भूनें तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप इसको तेज आंच पे और बहुत ही जल्दी से भून लेंगे तो बेसन जो है जल जाता है, उसका असली टेस्ट नहीं आता है। धीमी धीमी आंच पर भूनकर अगर लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बेहद ही टेस्टी बनेगी, और इसको भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट समय लगता है क्योंकि धीमी आंच पर भूनते हैं और बेसन जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। इसको हमने यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक भून लिया है, और आप देख रहे होंगे इसमें जो घी की मात्रा है वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर ऐड ना करें तो आपको लड्डू बनाते समय थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बस ये बेसन इसी तरीके आप इसके अंदर घी ऐड करें और इसी तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बेसन को इसी तरीके से 20 मिनट तक अच्छे से एकदम अच्छे से खुशबू आने तक, और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाना चाहिए, तब तक हमें भून कर लेना है इसको। भूनते समय थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप लड्डू खाएंगे ना तो सच मानिए आप जो हलवाइयों से लड्डू लेकर आते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लड्डू आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा बेसन जो है हल्का सा ब्राउन हो गया है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच पानी लिया है, और पानी में हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रखें यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड ना करें, 3 से 4 छोटे चम्मच पानी ही काफ़ी हो जाता है इसके अंदर। जैसे ही आप पानी डालेंगे ये अच्छे से फूल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लें। पाँच सात मिनट में ये अच्छे से जैसे पहले बेसन था कढ़ाई में उसी तरह हो जाएगा, लेकिन इसमें हल्का सा दाना आपको दिखाई देगा जिसे आपका लड्डू बहुत ही दानेदार बनके तैयार होंगे। और कलर डालने से इसका कलर आप देख रहे होंगे बिल्कुल जैसे हलवाइयों वाले लड्डू होती है उसी तरह कलर हो गया है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, ये जैसे पहले बेसन था भुना हुआ उसी तरह हो गया है। तो इतना ही हमें भून कर लेना है पानी डालने के बाद में। तो ये हमारा बेसन जो है पक गया है, गैस को बंद कर दिया मैंने,
और अब हम ये मिक्सचर को एक मिक्सिंग बोल या थाली में निकाल लेंगे। तो बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जैसे जैसे वो घी में पकता है, वैसे ही उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो खुद ही समझ में आ जाएगी बेसन पक गया है। तो अब हम इस बेसन की मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि हमें उसमें चीनी मिलाना है। तो आप इसे 5-6 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसे ही बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे आप चाहे तो चीनी की भूरा जो मार्केट में मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में पिसा हुआ चीनी। तो मैंने यहाँ पे चीनी को घर पे ग्राइंड कर लिया है। चीनी को थोड़ा दरदरा पीसे क्योंकि भूरा जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है, लड्डू में थोड़ा क्रंचीनेस लाता है। तो आपके पास जो चीज अवेलेबल है वो ही डालें। मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है, 1.5 कप बेसन के लिए 1/2 कप चीनी और उसके साथ 1/2 कप घी, बस यही मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है। लड्डू बनाने के लिए तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दे और उसके बाद ऐसे बंद कर देख ले। अगर आपके लड्डू नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड्डू एकदम सही बन गई है। सेम तरीके से सारी लड्डू बना लेंगे और लास्ट में सजावट के लिए आप चाहे तो इसके ऊपर किशमिश, पिस्ता या काजू जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसे सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी दानेदार और कितनी बढ़िया लड्डू बनके तैयार हो चुकी है। हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।